अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू जॉब साथ दोस्त नेट के साथ हाजिर है। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे पाकिस्तान एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल की जॉब्स के बारे में जो कि अनाउंस हुई है, जिसमें आप लोग पूरे पाकिस्तान से मेज और फीमेज अप्लाई कर सकते हैं। जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है, सो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आपने वीडियो को गौर से देखना है, इसको एंड तक देखना और स्किप नहीं करना है। सिंपली आपने गूगल पे आना है, यहाँ पे सर्च करना है जॉब बाजार, ऐसे सर्च करना है गूगल पे, वही जो पहली वेबसाइट है जॉब बाजार डॉट इन्फो, इसको आपने ओपन कर लेना है। तो अभी यहाँ पे इसको ओपन करेंगे तो आपके सामने वेबसाइट आ जाएगी। यहाँ पे आपको नजर आ रहे लेटेस्ट जॉब्स इन दिस वीक, यहाँ पे आपको ऑप्शन नजर आ रहे PARC जॉब्स, ठीक है, यानी कि पाकिस्तान एग्रीकल्चर रिसर्च जॉब्स, ये वाला, ठीक है। इसके ऊपर आपने क्लिक करना है तो आपके सामने जो पोस्ट ओपन हो जाएगी, आप यहाँ से इसकी इन्फॉर्मेशन रीड कर सकते हैं, यहाँ पे क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं। उसकी जो एडवर्टाइजमेंट है ये भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पाकिस्तान एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल जो कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का इदारा है, तो इसमें जॉब्स हैं, इसमें कोई एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है और 240 के करीब ये वैकेंसीज हैं। तो अब आपने गौर से समझना है, वीडियो को एंड तक देखना है, ठीक है जी। यहाँ पे सबसे पहले है साइंटिफिक ऑफिसर, ठीक है, तो इसके लिए 18 से 32 साल तक ये जो 180 वैकेंसीज हैं, ठीक है, रेगुलर जॉब है और आप पाकिस्तान में कहीं भी आपकी अपॉइंटमेंट हो सकती है, ठीक है जी। और उसके बाद यहाँ पे है असिस्टेंट साइंटिफिक ऑफिसर, ठीक है जी, तो इसके लिए जो है वो 18 से 30 साल तक ये जो 60 वैकेंसीज हैं और रेगुलर जॉब है, ठीक है जी, तो बहुत अच्छी जॉब होती है। इसमें सबसे पहले हम साइंटिफिक ऑफिसर का क्राइटेरिया आपसे शेयर करते हैं। आपके पास MSc, MPhil या फिर MSc इंजीनियरिंग, ठीक है, आपके पास 18 साल तालीम होनी चाहिए, ठीक है, 18 ईयर आप एजुकेशन आपके पास होना चाहिए। किस सब्जेक्ट में, वो यहाँ पे सारे डिसिप्लिन दी हुई है, ठीक है, यहाँ पे एनिमल साइंसेस में, यहाँ पे जुआलॉजी है, लाइफ स्टॉक है, वेटनरी यहाँ पे है, माइक्रोबायोलॉजी मेडिसिन और इसके बाद यहाँ पे डेयरी टेक्नोलॉजी और एनिमल न्यूट्रिशन की यहाँ पे है, इंजीनियरिंग में यहाँ पे एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग है और उसके अलावा यहाँ पे नेचुरल रिसोर्स में फॉरेस्ट्री है, जियोग्राफिक GIS सिस्टम जिसको कहते हैं, और इसमें जो रिमोट सेंसिंग और इसके अलावा यहाँ पे इंफॉर्मेटिक सिस्टम जो होता है, सॉइल साइंसिस यहाँ पे है, प्लांट साइंसिस में एग्रोनॉमी है और इसमें एनालिटिकल केमिस्ट्री है, बायो इन्फॉर्मेटिक्स है, बॉटनी है, फिजियोलॉजी है और एंटोमोलॉजी है और फूड टेक्नोलॉजी, हॉर्टिकल्चर, प्लांट बायोटेक्नोलॉजी, सीड टेक्नोलॉजी, जुआलॉजी और एग्री इकोनॉमिक्स है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है। यहाँ पे काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स आपने रीड कर लेने हैं। उसके बाद यहाँ पे बात करें तो इसकी असिस्टेंट साइंटिफिक ऑफिसर की, इसमें आपके पास 16 साल तालीम होनी चाहिए, BS या फिर मास्टर या फिर DVM अगर आपके पास है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। 3.0 आपकी CGPA होनी चाहिए, ठीक है जी। और उसके बाद यहाँ पे इसमें भी सेम ऑलमोस्ट सब्जेक्ट्स हैं, हम आपको यहाँ पे दिखा देते हैं। सोशल साइंसेस में अगर देखा जाए तो एग्री इकोनॉमिक्स है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, रूरल सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी है, प्लांट साइंसेस में देखा जाए जुआलॉजी है और सीड टेक्नोलॉजी, प्लांट पैथोलॉजी, हॉर्टिकल्चर, फूड टेक्नोलॉजी, एंटोमोलॉजी, बॉटनी, फिजियोलॉजी और टेक्सोनॉमी और इसके अलावा बायो इन्फॉर्मेटिक्स है, एनालिटिकल केमिस्ट्री, एग्रोनॉमी है और यहाँ पे प्लांट बायोटेक्नोलॉजी है। और इसके अलावा यहाँ पे अगर देखा जाए इसमें नेचुरल रिसोर्सेज में फॉरेस्ट्री है और इसके अलावा GIS है और सॉइल साइंसेज है, सेम सब्जेक्ट्स हैं। तो इनमें से आपके पास जो है वो डिग्री लाइफ स्टॉक है, जुआलॉजी है, नॉर्मल जो फीमेल्स का होता है कि उनके पास जुआलॉजी की डिग्री, बॉटनी की होती है, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं जी, ठीक है जी। इसकी जो लास्ट डेट है वो 20 मार्च है, ठीक है जी। अब यहाँ पे वैकेंसीज आपको पता चल गई है, 60 वैकेंसीज हैं असिस्टेंट साइंटिफिक ऑफिसर और 180 वैकेंसीज हैं साइंटिफिक ऑफिसर की। ओके, आप इसके लिए जो है ना वो अप्लाई कैसे करना है, 20 मार्च इसकी लास्ट डेट है, उसके बाद आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है। उसके बाद इसकी 1000 रुपये फीस है, ठीक है, चलान फीस है जो कि आपने पे करनी है। अब अप्लाई करने के लिए आपने जो है वो सिंपली क्लिक करना है यहाँ पे, यहाँ पे फॉर अप्लाई क्लिक है। जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वाला इंटरफेस होगा, ठीक है, PARC, यहाँ पे आपने ये जो रजिस्टर का बटन है ना यहाँ पे, ठीक है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। क्लिक करेंगे तो पहले आपने यहाँ पे अकाउंट क्रिएट करना है और पासवर्ड कोई भी देना है जो आपको बाद में याद रहे, और यहाँ पे कॉन्टेक्ट नंबर देना है, डेट ऑफ बर्थ देनी है और आईडी कार्ड नंबर देना है, ईमेल देना है और रजिस्टर कर देना है। फिर आपने लॉगिन करना है, आपके सामने फॉर्म आ जाएगा, आपने उसको फिल कर लेना है। तो सीखिए कि वीडियो, उम्मीद करता हूँ आप पसंद आई होगी, लाइक करें, शेयर करें, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।